हेलो फैमिली, सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। और हम भी अपने घर में मस्त और स्वस्थ हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हमारी फैमिली ये रही, और ये सब सो के उठा, आज लेट उठा है और बोला कि हमें स्कूल जाना है, क्योंकि 8 बजे तक उसका स्कूल शुरू हो जाता, लेकिन उसको मैं 8:30 बजे तक छोड़ के आया हूँ। 8:20 हो गए थे, लेकिन मैम ने ले लिया था। मैंने उनको बोला कि ऋषभ को मैंने मना किया कि मत जाओ ऋषभ, लेकिन ऋषभ रो रहा था, कह रहा मैं जाऊंगा। फिर उसको मैं छोड़ गया, मैं चलो देखते हैं मैम अंदर जाने देती हैं नहीं जाने देती हैं। लेकिन लेके गया तो मैम ले ली उसको अंदर, और उन्होंने कुछ बोला वोला नहीं, कह रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट हो गया है। और कभी बच्चे तो स्कूल जाने के लिए रोते हैं और कभी नहीं जाने के लिए भी रोते हैं, दोनों ही दिक्कत है। तो मैंने ऋषभ को स्कूल छोड़ दिया और मैं तैयार हो गया हूँ और मैं चलता हूँ। वो जो बिहार वाली बात हो गई आरती के, श्रेमिका का कत्ल हो गया है, वही मैं कल पूरी 1 बजे 1:30 बजे रात तक देखती रही कि सच में यार अगर कोई प्यार करता है ना, देखो प्यार कब किसको हो जाए कोई नहीं जानता, प्यार बुढ़ापे में भी हो जाती है, जवानी में भी हो जाती है, बचपना में भी हो जाती है। तो वहाँ जूते चप्पल क्यों रखी? प्यार कल रात से ही वही देख रही हैं। और आरती और छोटू की जो कहानी है, छोटू की जो हत्या कर दी गई बिहार में जो छोटू का हत्या कर दिया गया, आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में, लेकिन कुछ लोग नहीं गौर कर पाते, जैसे कि मैंने भी देखा था लेकिन मैंने इस बात पे गौर नहीं किया। जब मैं घर पे आया इन्होंने बताया कि आप सुने कि बिहार में ऐसा कांड हो गया, मैं बोला देखा लेकिन मैंने गौर नहीं किया। आज बिहार में हुआ है, कल हमारे यूपी में भी हो सकता है, एनसीआर में भी हो सकता है, ये तो कहीं न कहीं तो होता ही रहता है। लेकिन लड़की भी देखो कितनी हिम्मतदारी दिखा रही है कि अपने परिवार वाले के ऊपर सारा आरोप लगा रही है, मतलब कि पूरे भारत में पूरे यूट्यूब में ऐसा, मतलब कि जो लड़की ने आवाज उठाई पहली बार उठा, उसके लिए हम लोग के लिए कितना मतलब कि हिम्मत बना कि देखिए अपने माँ बाप को, भाई को, हर चीज़, जीजा को, सबको जेल, जो चीज़ था प्यार एक ऐसा चीज़ था कि वो सब मतलब कि सबको जेल के पीछे करवा रही है। लेकिन प्यार करना कोई गलत चीज़ नहीं है जी, प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार की अगर कोई गलती से प्यार को उससे कोई लड़ जाता है, कोई नहीं लड़ पाता है, यही हकीकत है। और कोई तो बहुत कुछ कर जाता है प्यार के लिए, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं कि अरे प्यार, अरे एक मिनट लाइट जला दे बोलो। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता है, लेकिन सच में नहीं भुला जाता है, और कभी न कभी याद भी आता है। आपको भी याद आता है? हाँ, तो जैसे कि याद तो आता है, मेरी शादी भले नहीं हुई उससे, लेकिन याद तो आता ही, ऐसी बात थोड़ी ना है। अब हमारी फैमिली कमेंट करेगी वंदना जी अपनी लव स्टोरी बताइए। नहीं, लव स्टोरी क्या, मेरा प्यार वो नहीं था, मेरा जैसे कि रिलेशन में शादी की बात चल रही थी, थोड़ा बातें साथे होती थी, ये ऐसा प्यार नहीं था कि हम उसके लिए मर जाएंगे, वो हमारे लिए मर जाएगा, हम घूमने जाते थे फिर। तो वही चीज तो बताया ना, कुछ लोग प्यार मोहब्बत में बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। शादी में से गए थे तो आते हैं एक दूसरे में फीलिंग होता है, परिवार वाले पसंद करते हैं लड़की हमारे घर की बहू बन जाए, कुछ लोग घर और माँ बाप के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग तो कुछ नहीं सोचते, बस उनको प्यार ही दिखता है चारों तरफ की, बस हमारे लिए हमारी जो गर्लफ्रेंड है वही सब कुछ है, आगे पीछे कुछ। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि कोई प्यार करता है उसको घर पे बुला कर मारा जाए जी, ऐसा तो कभी भी कोई नहीं। अरे तो उसमें साजिश रची गई है, जो क्या बोलते हैं आरती का बॉयफ्रेंड था छोटू, उसके पहले ही साजिश रची गई थी। हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा, बहुत वीडियो देखा, तो किसी बहुत वीडियोस को हाँ, किसी में कुछ कहा जा रहा है, किसी में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। उसको उस लड़के के घर वाले को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, जैसे उसके साथ किया गया, लेकिन सरकार से विनती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफार्म में सोशल मीडिया पे, हम भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जब सारे लोग अपने चैनल पे डाल रहे तो हम कहे कि मैं उसका फोटो थंबनेल नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बारे में जब हम कहानी सुन रहे हैं उसके बारे में तो बोल सकते हैं। बिल्कुल जी, उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। हमारे पास जब वो चीज ऑप्शन है तो हम भी सोच रहे हैं कि उस ऑप्शन के जरिए उस लड़के के घर वाले को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि छानबीन होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता है, तो इसलिए हकीकत उसको देखना चाहिए, इसलिए बोलते हैं उसको सीबीआई जांच करके बुलाया था। उसकी भाभी बुलाई थी कि लड़की ने फोन करके बुलाई थी, तो लड़की लड़का वाले के घर के सबकी आईडी प्रूफ जमा करिए, और मोबाइल नंबर किसके नाम से खुला है सब कुछ पता चल जाए।
अगर सरकार चाहे तो एक एक पल भी सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ न पता चले, लेकिन सरकार आगे आवाज नहीं उठा रही है, बस खाली हड़कंप मची है, हड़कंप मची हुई है बस। इसीलिए लोग सीबीआई जांच मांग करते हैं, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हकीकत नहीं होता है, कभी कभी वो गलत भी हो जाता है, क्योंकि सीबीआई जो जांच होती है निष्पक्ष जांच होती है, पूरा गहराई तक जांच होती है। तो हमने भी कल यूट्यूब पे देखा था, उसमें दो लड़के बता रहे थे कि छोटू को एक कमरे में बंद करके रखा गया था और उसको जो है बहुत तेज भूख और प्यास लगा था, तो हम और हमारे दोस्त उसके लिए पानी और दूध लेके जब गए उसको देने के लिए, तो उसका जीजा जो था हम लोगों को भगा दिया और जो दूध और पानी फेंक दिया, फिर उसको ना उसको मूत्र पिलाया गया। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, हम लोग तो जो चीज बताया जा रहा है हम लोग वही सुने, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, जबकि किसने किया, अब इसकी जांच तो पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। कहाँ जांच पूरी हो पाती, अधूरे में ही रह जाता है, बताइए। बहुत सी ऐसी आज उसके साथ होकर किसी और के साथ हो जाएगा, ऐसे ही पूरी बस होता रहेगा जिंदगी में क्या। अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, बताइए कुछ हो पाया उसका, कोई अभी तक असलियत सामने ही नहीं आया, क्या हुआ उसका, मर्डर हुआ था क्या, आत्महत्या हुआ था तो क्या, कोई पाया नहीं गया था ना, तो पाया नहीं गया था कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जो दबा दिया जाता है, जब तक ऊपर तक आवाज नहीं जाएगी, जब तक आप लोग ऊपर तक आवाज नहीं पहुंचाएंगे तब तक इसका कोई जांच नहीं हो सकता है। लेकिन ये गलत बात है, जांच होनी चाहिए। आज हमारे मतलब कल उनके बच्चे के साथ, कल आपके बच्चे के साथ, मेरे बच्चे किसी भी साथ हो सकता है यार, ऐसे कैसे। इसीलिए हमेशा लड़ना चाहिए, हर चीज के लिए लड़ना जरूरी होता है, इसीलिए वंदना जी हमसे लड़ती है। अपना हक अपना कद हमेशा पाना चाहिए, चाहे कोई भी रास्ता चुनना पड़े, कभी नहीं हारना चाहिए सब चीज से। बिल्कुल जी, जो चीज हकीकत है सत्य है उसमें लड़ने में कोई डर नहीं, इसलिए सत्य के साथ हमेशा सब लोग रहते हैं। रात भर उसके बारे में सोचते, कल तो 1-2 बजे तक रात तक वही मोबाइल में बस वही देख रहे थे, हम कहे बोले भैया बंद करो, अभी सो के उठिए फिर वही देख रहे हैं, इनके दिमाग में तो बस वही चल रहा है। और आप लोग भी नहीं देखे होंगे तो वो चीज देखिए, छोटू और आरती की लव स्टोरी आप डालेंगे ना तो उसमें आ जाएगा। उसका कोई चैनल वगैरह लड़की लड़का का उसका चैनल कोई नहीं है, बस सोशल मीडिया पे इस समय वही छाया हुआ है, हाँ इस समय वही ट्रेंडिंग में चल रहा है, वायरल हो रखा है हर जगह, बस वही छोटू आरती की लव स्टोरी बस वही चल रहा है। तो चलिए फिर बातें करेंगे, चलते हैं हम अपनी ड्यूटी की तरफ, कह रहे हैं फिर हम वही जा रहे हैं, और मेरा ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, 10:45 हो गया, मैं भी निकलता हूँ ड्यूटी के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। ये देखो जी बिजली का बिल आया है, कितना आया है हमारा बिल कितना आया देखिए, 5410 रुपये, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है बिजली का बिल, 5410 रुपये बिल आया यार, गजब, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, देखते हैं। ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा बिल हमारा आया 5410 रुपये, और बाकी किसी का 1200 आया, किसी का 120 रुपये, नहीं हमारा 3 महीने से आया, थोड़ा चेक करिए, इतना थोड़ा ना, सब लोग तो बिजली पानी यूज कर रहे हैं, पता नहीं पिछले बार जमा किए नहीं जमा किए हैं, वो पूछो उनसे, नहीं जमा किए, देखते हैं चेक करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर रोटी चावल दाल, अभी नहीं खाओगे क्या? अभी हम खाए हैं, थोड़ा बाद में खाएंगे। अच्छा अभी नहीं खाए, थोड़ी देर में खाएंगे। और ऋषभ सोनाक्षी खा लिए, मैं भी खा लेता हूँ, वंदना जी भी बना रही थी खाना, तो हम बोले कि खा के आते हैं, कोमल का सरप्राइज है ये। तो चलिए खाने के बाद मिलते हैं, हो गया सोनाक्षी, चलो सबको बाय बोलो, गुड नाइट बोलो ऋषभ, बाय, हाँ चलो बाय। ऋषभ रो रहा था, मेरा कान दर्द कर रहा है, सुनाक्षी चलते हैं घर पे, मिलते हैं।